हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम देखेंगे एक टॉपिक जहाँ से कभी कभी एक एक नंबर का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंपनी का कौन सा फाउंडर है और उनका सीईओ कौन सा कौन है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। पहला है द फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के फाउंडर थे हमारे सैम वॉल्टन और 1962 में इसका फॉर्मेशन हुआ और आज वॉलमार्ट जो है वो देश की जो सबसे बड़ी ई मार्केट की कंपनी है। जो हमारे देश की जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसके 74% जो स्टेक्स हैं वो इसी वॉलमार्ट के पास हैं। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पेटीएम। पेटीएम जो थी वो जब डीमोनेटाइजेशन हुई उसके बाद इस कंपनी का काफ़ी बहुत अधिक बहुत अच्छा बूम आया। ठीक है, तो इस कंपनी के फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा और ये कंपनी 2010 में बनी थी। अगला हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल। गूगल के फाउंडर कौन कौन से हैं, तो हमारे लैरी पेज एंड सर्गिन ब्राइन। और इनके सीईओ कौन हैं, गूगल के सीईओ हैं हमारे, तो गूगल के सीईओ हैं हमारे सुंदर पिचाई, इंडियन है ये। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन से हैं, तो हमें ये थे बिल गेट्स एंड पॉल एलन। हमें बिल गेट्स का नाम याद रहता है लेकिन पॉल एलन का नाम हमेशा हमें याद नहीं रहता। और इसके सीईओ कौन है, इसके क्यों है, सत्य नडेला, वो भी इंडियन है। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के फाउंडर कौन थे, ये थे ब्रायन एक्टन एंड जॉन कॉन। लेकिन अब इसको जो है वो किसने ख़रीद लिया है, इसको ख़रीद लिया व्हाट्सएप को, हमारे मार्क जकरबर्ग ने, जो कि फाउंडर हैं किसके, फेसबुक के। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अमेजोन। अमेजोन जो है इस टाइम सबसे बड़ी कंपनी है हमारी, सबसे अमीर भी हैं इस टाइम हमारे जेफ बेजोस ही हैं, तो इन्होंने इसका जो है वो इस कंपनी की शुरुआत करी थी। और एक क्वेश्चन और आएगा कि वर्ल्ड में सबसे महंगा जो डाइवोर्स हुआ वो इन्हीं का हुआ। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट। सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल, ये इंडियन कंपनी है। लेकिन अब जो है जो वॉलमार्ट ने इसका जो है वो 74% जो है स्टेक जो है ख़रीद लिए हैं। अगला हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ याहू। याहू जो है स्टार्टिंग में बहुत अच्छी जो थी वो हमारी ई मेलिंग की वेबसाइट थी, लेकिन अब इसका डाउनफॉल आ चुका है। तो इसके फाउंडर थे डेविड फ्लियो और जेरी यांग, ये 1994 में बनी थी। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ एप्पल। एप्पल के फाउंडर सीईओ तो हमारे स्टीव जॉब्स, हर कोई जानता है इनको, लेकिन इनके साथ और भी लोग थे जैसे रोनाल्ड वेन और स्टीव वोजनियाक, ये थे इसके साथ में फाउंडर, को फाउंडर बोल सकते हैं, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकिपीडिया। विकिपीडिया के फाउंडर कौन थे, जिमी वेल्स। विकिपीडिया जो है वो हमें बहुत हेल्प करता है हमारे स्टडी के दौरान, जो है वो विकिपीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्वेश्चन आया भी था किसी क्वेश्चन में कि कौन सा था फाउंडर ऑफ विकिपीडिया, तो थे जिमी वेल्स। अगला हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मोटोरोला, तो थे पॉल एंड जोसेफ गैबलिन। मोटोरोला जो थी वो स्टार्टिंग में जो मोबाइल कंपनीज की जो भी मोबाइल स्टार्टिंग में चले थे, मोटोरोला बहुत फेमस कंपनी हुई थी, लेकिन आज मोटोरोला जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। फिर भी इसका स्थान जो है टॉप 10 में होता ही होता है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा इसका बूम था। नेक्स्ट हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक का जो है मार्क जकरबर्ग है। अब फेसबुक के पास व्हाट्सएप भी इन्हीं के पास है और इंस्टाग्राम भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अलीबाबा। जैक मा, ये किसी टाइम पे एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, लेकिन अब शायद ये इंडिया एशिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। पहले हमारे अंबानी साहब, सेकंड हमारे अडानी साहब और तीसरे हमारे जैक मा। अगला हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ नोकिया। तो नोकिया के फाउंडर कौन थे, इसके थे फ्रेडरिक एल्सन एंड लियो मैकलिन। नोकिया के फ़ोनों को तो कौन नहीं जानता, हर कोई जो है नोकिया के मोबाइल जो है इनको बहुत अच्छी तरह से अवगत है। अगला हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ रिलायंस। हमारे रिलायंस जो कंपनी है उसके फाउंडर कौन है, धीरू भाई अम्बानी। लेकिन अब इनके जो है जो बड़े पुत्र हैं इनके, मुकेश अम्बानी, वो इस टाइम इंडिया के रिचेस्ट पर्सन भी है और इनका जो है वो जियो जो है उनके मालिक भी हैं। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंटेल। इंटेल के प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में मैक्सिमम इंटेल के प्रोसेसर यूज़ होते हैं, उसके फाउंडर कौन है, गॉर्डन मोरे। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सैमसंग। सैमसंग के फाउंडर कौन है, सैमसंग जो है साउथ कोरियन कंपनी है, उसके फाउंडर कौन है, ली वाइंग चुल, इसके जो है वो फाउंडर हैं, पूछ सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ जियोमी। जो जियोमी के फाउंडर थे वो थे ली जुन
और इस टाइम जो है जियोमी जो है वो इंडिया की जो मार्केट है वो सबको सबसे ज़्यादा होल्ड किसने करा हुआ है, तो वो हमारे जियोमी ने करा हुआ है। इसके बाद हमारे ओप्पो वीवो और वन प्लस रियलमी सभी एक ही बंदे की कंपनीज़ हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ कंपनीज़ के और उनके फाउंडर्स। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।